मार्टोन, एक होता है क्या मार्टोन्स न्यूरोमा, मोर्टोन्स या मार्टोन्स न्यूरोमा, देखो ये होता है मोर्टोन्स न्यूरोमा। मोर्टोन्स न्यूरोमा क्या होता है देखो, मोर्टोन्स न्यूरोमा ये होता है, ये क्या है, ये बनता है ब्रांच ऑफ मीडियल प्लांट अंडर, ये फॉर्म बनेगा फॉर्म ऑन ब्रांच ऑफ मीडियल प्लांट अंडर। मीडियल जो प्लांट नर्व है, मीडियल प्लांट नर्व की क्या है ब्रांच पे बनता है, मीडियल प्लांट नर्व की ब्रांच पे बनता है, ठीक है। बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजिटल नर्व, ड्यू टू प्रेशर जो होता है, प्रेशर प्रेजेंस ड्यू टू प्रेशर ऑन डिजिटल नर्व बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल, थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल के बीच में जो डिजिटल नर्व है उससे प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या है वहां पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, वही क्या है मोर्टोन न्यूरोमा, मोर्टोस ये मोर्टोस न्यूरोमा होता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर ऑन, कहां पे प्रेशर आ जाएगा, ये आ जाएगा डिजिटल नर्व, ड्यू टू प्रेशर ऑन डिजिटल नर्व, डिजिटल नर्व पे क्या आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा, कहां बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल जो बोन थी वहां, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन, ये हो गया मोर्टोन्स न्यूरोमा। हमने आगे बता रहा हूं मोर्टोन्स न्यूरोमा बनता है ऑन फोर्थ ऑन ब्रांच ऑफ मीडियम प्लांट एंडर बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर ऑन डिजिटल नर्व बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन, थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल बोन के बीच जो डिजिटल नर्व उनके प्रेशर के कारण ये मोर्टोन्स न्यूरोमा होता है। इसमें क्या हुआ, ये क्या करता है पेन होता है, थर्ड और फोर्थ जो मेटाटार्सल बोन है उनके बीच में क्या होता है पेन होगा, इसमें मोर्टोन्स न्यूरोमा, वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये इसका क्लिनिकल हो गया। तो हमने टीबियल नर्व में आगे मैं समराइज करा रहा हूं 5 मिनट में कि क्या क्या पढ़ा। हमने पहले बताया कि टीबियल नर्व ब्रांच जो होती है किसकी, सिएटिक नर्व की, ठीक है टीबियल नर्व ब्रांच है किसकी, सिएटिक नर्व की। फिर हमने बात की किसकी, कि ये कहां का सप्लाई कर रही है, सप्लाई करती है लेग जो है उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल को, लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की कितनी मसल थी, एक तो डीप थी एक सुपरफिशियल। हमने कहा कि लेग में क्या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या है, एक तो डीप होता है एक सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल तो डीप में कौन कौन सी मसल होती है, डीप में चार मसल है, टीबियल इज पोस्टीरियर, एक तो टीबियल इज पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर एलुसिस लॉन्गस, ठीक है, ये हो गए फ्लेक्सर एलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, टीबियल इज पोस्टीरियर, और एक होती है पॉपलीटियस, इन मसल को सप्लाई करता है। सुपीरियरली किसको सप्लाई करेगा, ये गोसिप से याद रखना है, G4 गैस्ट्रोनीमियस सोलियस और प्लांटीरिस, इन मसल को सप्लाई करती है टीबियल नर्व लेग में, ठीक है, लेग में इनको मसल सप्लाई करती है, ये हो गई लेग की बात। फिर हमने बात की दो लेग, ये टीबियल नर्व जो होती थी दो में डिवाइड हो रही थी, मीडियल प्लांटर नर्व लेटर प्लांट नर्व, ठीक है, मीडियम प्लांट अंडर और लेटर प्लांट अंडर में डिवाइड हो गई। फिर मीडियम प्लांट अंडर की यदि बात करें तो ये क्या करती थी, ये लार्ज टर्मिनल ब्रांच थी, कहां पास कर रही थी फॉरवर्ड बिटवीन एब्डक्टर हेलुसिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, और इसकी चार मस्कुलर ब्रांच थी, कौन कौन सी मस्कुलर ब्रांच थी मीडियम प्लांट अंडर की, चार, एक तो एब्डक्टर हेलुसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस और फर्स्ट लम्बराइकल मसल, ठीक है, एक थी क्यूटेनियस ब्रांच जो सप्लाई कर रही थी स्किन ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ सोल, और एक थी आर्टिकुलर ब्रांच जो सप्लाई कर रही थी टार्सस और मेटाटार्सस जॉइंट को, ये तो होगी मीडियल प्लांटर नर्व की बात खत्म। अब आ जाए लेटर प्लांटर नर्व, लेटर प्लांटर नर्व जो होती ये क्या, इसका एक मेन ट्रंक था, इसका एक था मेन ट्रंक, ये क्या है मेन ट्रंक जो सप्लाई करता है दो मसल को, कौन कौन सी मसल को सप्लाई करता है, एक तो करता है फ्लेक्सर डिजिटोरम एसेसोरियस को,
ठीक है, और ये करता है एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई को, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई और फ्लेक्सर डिजिटोरम एसेसोरियस को सप्लाई करता है मेन ट्रंक ऑफ लेटर प्लांटर नर्व। फिर शरीर डिवाइड हो जाता था दो में, एक तो डीप में और एक सुपरफिशियल में, ठीक है। डीप सप्लाई करता था कितनी मसल को, ये सप्लाई करता था 9 मसल को, जिनमें तीन तो थी क्या, तीन तो थी लम्ब्राइकल सेकंड थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल, ठीक। तीन थी क्या, डोर्सल एंटेरोसियाई फर्स्ट सेकंड थर्ड डोर्सल एंटेरोसियाई, दो क्या थी प्लांटर एंटेरोसियाई फर्स्ट और सेकंड, और एक थी एडेक्टर हेलोसिस, तो ये हो गई 9 मसल इसकी। सुपरफिशियल आते हैं तो सुपरफिशियल सप्लाई करता है, सुपरफिशियल जो है ये सुपरफिशियल लेटर प्लांट अंडर, ये क्या है सुपरफिशियल में कौन किसको सप्लाई करेगा, इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे लेटरल एंड मीडियल। लेटरल सप्लाई करता है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस को, एक तो करेगा फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस को, है ना, और एक करेगा किसको, थर्ड प्लांटर फोर्थ डोर्सल एंटेरोसिया को, और एक करेगा स्किन और लेटरल साइड की स्किन को, और मीडियल जो ब्रांच होगी इसकी सुपरफिशियल की भी मीडियल वो सप्लाई करती है फोर्थ इंटरडिजिटल क्लैप को। ये इसकी ऑल ओवर क्या है स्टडी हो गई ट्रिगल नर्व की। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।